हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सीएनजी कार है तो इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सीएनजी कार में जो सीएनजी टैंक होता है उसे हर 3 साल में एक बार रिन्यूअल करना होता है, यानी टेस्टिंग करना होता है। ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम आपको टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, कहाँ से करवानी है और कितने में की जाती है, यानी खर्चा कितना आता है। साथ में हम आपको जब सीएनजी टैंक टेस्टिंग हो जाता है और पहली बार जब हम सीएनजी फिल करवाते हैं तब सीएनजी कितनी आती है वो भी चेक करेंगे। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप सीएनजी टैंक टेस्टिंग करवाने जाते हो उससे पहले आपका जो सीएनजी टैंक है ये पूरा खाली होना चाहिए, क्योंकि सीएनजी टैंक टेस्टिंग करने से पहले आपके सीएनजी टैंक में जो भी सीएनजी है वो हवा में छोड़ दी जाती है। अब हम आपको बता देते हैं कि सीएनजी टैंक रिन्यूअल यानी टेस्टिंग हमें कहाँ से करवानी है, क्योंकि सर्विस सेंटर में सीएनजी टैंक रिन्यूअल नहीं किया जाता है। फिर चाहे आपके पास कंपनी फिटेड सीएनजी कार हो या फिर आपने लोकल मार्केट से किट लगाई हो, लेकिन सर्विस सेंटर में रिन्यूअल नहीं किया जाता है, आपको ये बाहर लोकल ऑथराइज्ड डीलर से रिन्यूअल करवाना होता है। अब जब हम बाहर रिन्यूअल करवाने जाते हैं तो अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट हमें देखने मिलते हैं। कहीं पर 3,000 है, कहीं पर 2,500, कहीं पर 2,000, तो कहीं पर 1,500 रुपये। जहाँ तक मुझे पता है मिनिमम 1,500 रुपये चार्ज लिया जाता है। मैंने कई सिटी में इंक्वायरी की, चिपून, रत्नागिरी, पुणे, मुंबई, कल्याण, तो सबसे कम रेट मुझे कल्याण में मिला। वहाँ पर 1,500 रुपये में मुझे सीएनजी टैंक रिन्यूअल करके मिला है। आपकी सिटी में कितना चार्ज किया जाता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब सीएनजी टैंक टेस्टिंग करने के लिए कितना समय लगता है, अब ये भी अलग अलग सिटी में अलग अलग टाइमिंग हमें दिया जाता है। कहीं पर 3 घंटे, कहीं पर 2 घंटे, तो कहीं पर 1 घंटा। मैंने जहाँ पर करवाया है वहाँ पर 1 घंटे में मुझे सीएनजी टैंक टेस्टिंग करके मिला है। अगर आपने भी अपनी कार की सीएनजी टैंक रिन्यूअल करवाई है तो आपको कितना समय लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जहाँ से मैंने रिन्यूअल करवाया है वो ग्रीन गैस टेक्नोलॉजी जो कि कल्याण में है, जिनका 25,000 सिलेंडर टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है और ISO अप्रूवल है। यहाँ पर मैंने सीएनजी टैंक रिन्यूअल करवाया है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सीएनजी टैंक रिन्यूअल यानी टेस्टिंग किया जाता है। उससे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि सीएनजी टैंक जब हम रिन्यूअल करवा लेते हैं, टेस्टिंग करवा लेते हैं, तो उसके बाद जब हम सीएनजी टैंक फिल करवाते हैं, सीएनजी फिल करवाते हैं, तब सीएनजी टैंक में कितनी सीएनजी आती है। तो अभी यहाँ पर हम कल्याण में सीएनजी स्टेशन पर आए हैं और यहाँ पर देखते हैं कितनी सीएनजी यहाँ पर आती है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सीएनजी टैंक में कितनी सीएनजी आती है। ये देखने के बाद सीएनजी टैंक किस तरह से टेस्टिंग किया जाता है वो हम देखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो अब यहाँ पर सीएनजी टैंक फिल हो चुका है और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 9.39 केजी सीएनजी इस बार आई है। और अब देख लेते हैं सीएनजी टैंक टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है। सभी प्रकार के वाहन